फिर आपका वेलकम है यूपी ब्लॉक्स में। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा है और इस टाइम तीसरे चरण का चुनाव चरम सीमा पे है। बरेली मंडल तीसरे चरण में है। मैं आपसे के ब्लॉग के माध्यम से बरेली लोकसभा, आंवला लोकसभा, पीलीभीत लोकसभा और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ के सभी मतदाताओं से एक अपील करना चाहूँगा। और सीधी सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के इस 5 साल के शासन में किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, सारे लोग परेशान हैं और ये सारे के सारे लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने की फिक्र में हैं। मैं इन सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हो तो इसको हराने के लिए मात्र एकमात्र ये गठबंधन है। गठबंधन के अलावा कोई इसको हरा नहीं सकता। हर लोकसभा सीट के ऊपर इस गठबंधन का अपना 4 लाख वोट है। उस 4 लाख वोट में कोई दूसरा दल एक भी वोट नहीं ले सकता। दलित वोट है, यादव वोट है और इसके साथ साथ जो और हमारे पिछड़ी जाति का वोट है वो भी इस गठबंधन के साथ है। मुस्लिम समाज इस गठबंधन के साथ है। तो मैं इसी सर्व समाज से ये अपील करना चाहूँगा कि सारे लोग मिलके जहाँ पर हमारा चुनाव निशान हाथी है वहाँ पर हाथी वाला बटन दबाएं। जैसे आंवला में हमारा हाथी है वहाँ हाथी वाला बटन दबाएं। बरेली लोकसभा और पीलीभीत लोकसभा में हमारा निशान साइकिल है वहाँ साइकिल वाला बटन दबाएं। तमाम मैं अपने दलित समाज के मतदाताओं से अपील करूँगा, बीएसपी के जो बहुत सपोर्टर हैं, हमारी माताएं बहनें, उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा कि हाथी ना देखें बरेली लोकसभा पर। बरेली लोकसभा पर हाथी की जगह भी साइकिल ने ले रखी है। आंवला लोकसभा पे मेरी जो समाजवादी पार्टी के माताएं और बहनें हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आंवला लोकसभा पर साइकिल ना देखें, वहाँ पर हाथी को देख लें। मैं बरेली लोकसभा पर आता हूँ, बरेली लोकसभा में आज तक जो माननीय संतोष गंगवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते चले आए मुसलमानों का हवा दिखा के, अब की वो बिल्कुल पिंचर हुए पड़े हैं, हवा निकल गई है। माननीय संतोष गंगवार के परिवार के लोग कभी चुनाव के लिए घर से नहीं निकले लेकिन आज उनके परिवार का एक एक बच्चा घूम घूम के मतदाताओं से अपील कर रहा है, हाथ जोड़कर वोट मांग रहा है। क्यों? के उनके मुकाबले में, संतोष गंगवार के मुकाबले में आज माननीय भगपत सरन गंगवार हैं और भगपत सरन गंगवार का जनाधार बरेली लोकसभा में इतना बढ़ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन वोट खोलेंगे उस दिन दूरबीन लगा के नज़र आएगी, इतने पीछे खड़ी होगी। मैं अपने मुस्लिम समाज के भी मतदाताओं से एक अपील करना चाहूँगा, सर्व समाज के साथ साथ, कि तुमको बरेली लोकसभा पर सिर्फ साइकिल वाला बटन दबाना। साइकिल भारतीय जनता पार्टी तो बरेली लोकसभा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी हार मान चुकी है इस गठबंधन के मुकाबले पे भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ संतोष गंगवार हैं उनकी टीमें निकलती हैं और मुसलमानों में जाके कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना लंबा तिलक लगा के निकलते हैं और मुसलमानों की बस्ती में जाके तिलक को साफ कर लेते हैं और साफ करके चचा आदाब, चचा सलाम इस तरीके से करके कहते हैं बस कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। क्या मकसद है कि बीजेपी के लोग आज कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं मुसलमानों में जाके? इसलिए कि मुसलमान बहक जाए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों में जाके कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। आज कोई मुकाबला नहीं है गठबंधन का। हमारे मुस्लिम भाइयों ने अगर गठबंधन के अलावा कहीं पर वोट किया
तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, वरना बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और बरेली लोकसभा से, तो बीजेपी का जनाजा ही माननीय बक्सर गंगवार ने निकाल दिया है।